तेरा ना सिर्फ मेरा हर किसी की लाइफ का गोल्डन एरा था बचपन छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशियां लाने वाला सवेरा था बचपन वो बारिश में जमे पानी पर छपाक से कूदना था बचपन स्कूल ट्यूशन्स और खेल से थक कर माँ की गोद में आंखें मूंदना था बचपन महज 8 रुपए की कुल्फी के लिए मिट्टी का गुल्लक फोड़ना था बचपन क्लास में छुट्टी की घंटी बजते ही दिशाहीन दौड़ना था बचपन भाई बहन से एक टॉफी के लिए लड़ना पापा से डांट खाना था बचपन मेहमानों के जाते ही उनके प्लेट पर बचा समोसा खाना था बचपन न कल की चिंता थी न जिम्मेदारियों का एहसास बेफिक्री का दौर था बचपन न मतलबी दोस्त थे न बहरूपीय साथी सिंपली कुछ और था बचपन 1 रुपए की पतंग और 2 मोहल्लों के बीच क्रिकेट का खेल था बचपन कंचे लगोरी लूडो छुपा छुपी सस्ती चीजों में महंगी खुशियां का डेरा था बचपन ना सिर्फ तेरा ना सिर्फ मेरा हर किसी की लाइफ का गोल्डन एरा था बचपन बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट विनीत सिंह और इनके साथ वो तोड़ दिया जिसने अंडर कॉन्फिडेंस का हर दायरा महाजन समायरा के लिए एक बार फिर जोर से तालियां
विनीत, जो भी गाते हो इतना पक्का गाते हो विनीत, मतलब वो साधना से आती है ऐसी सिंगिंग विनीत जो आप गाते हो. You are amazing, Vineet, at par with excellence. जोरदार तालियां विनीत के लिए. आपकी उम्र क्या है समायरा? मैं 10 इयर्स की हूँ. ओले! आपके सामने जो खड़े हैं विनीत, वो इतने जाने माने, इतने टैलेंटेड और इतने एक्सपीरियंस कलाकार हैं, लेकिन फिर भी आप आंखों में आंख मिला के मस्ती किए जा रही है गाते वक्त. इट्स अ ग्रेट साइन. एंड विनीत, अब रफी साहब तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जब आप उनके गाने गाते हैं तो ऐसा लगता है कि रफी साहब हमारे साथ हैं. वाह, थैंक यू सर, दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. आज और कल जजेस स्कोर्स देंगे और दोनों की मदद से हमें मिलेंगे टॉप 11. यस, टॉप 11. चिराग, तुम आदि के पैसे दे दो ना यार, वापस दे ही नहीं रहे. सर, मैं लाया हूं इनके पैसे. क्या 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 तुम मेरे पैसे लाए हो? ओ माय गॉड, म्यूजिक. ओए ओए तुझे ओए 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 ये ये क्या 100 रुपए की चिल्लर है क्या? 100, 200 चिल्लर? सर इतने ही ला पाया मैं. ये कितने हैं? सर 20 रुपए. मुबारक हो आदे. मैम के लिए साड़ी लाया क्योंकि मैम बहुत प्यारी लगती हैं साड़ी में. ये मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है. मैं जरा अपने ऊपर रख के दिखाती हूँ. वाओ, कितनी अच्छी साड़ी है ये. ए आदि, आदि, नो यू कांट टेक इट. बहुत अच्छी, ये मेरे पास की साड़ी है. दिस इज माय साड़ी. आई एम सो सॉरी. मैं पहनूंगा ये साड़ी, मैं करूंगा इंडियन आइडल होस्ट साड़ी पहन के. साड़ी के कौन सा कभी मैच किया ये जोड़ दिया दिल. हालांकि मुझे नहीं आती है पहननी, फिर भी मैं ट्राई करूंगा. गिर जाएगा. मैंने इस चिकने को इसकी माँ के कंगन बेचकर और वॉपिंग 1500 रुपए दिए थे और इस मतलबी ने उन पैसों से लड़कियों को मुंबई शहर के सारे फूल खरीद कर दिए, उनके साथ क्रूज पे गया और दो लड़कियों को तो उन्हीं पैसों से फिल्म प्रोड्यूस करके लॉन्च भी कर रहा है. पर फिर भी मेरे हाय की वजह से जो है रिजेक्टेड बाय ऑल नेशनल रिजेक्टेड माल चिराग कोट वाल और साथ वो जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की है कि जब तक देश की पहली मिस इंडिया कम सिंगर नहीं बन जाती ये पनीर दो प्याजा नहीं खाएंगी. ये बात आज बताई, पहले मैं चुप था. प्लीज वेलकम साइशा गुप्ता. रहा हूँ तुम्हें रात
मुझे कुछ पता ना चला। पास हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे और मुझे कुछ पता ना चला। दिल ने देखा नहीं देखा सारा जहां तुम कहां मैं चिराग बहुत खूबसूरत गाया यार आपने। एचआर कैसा लगा आपको? कितनी यादें ताजा कर दी तुमने सायशा। तुमने जो शिक्षा हासिल की थी सुपरस्टार सिंगर में वो बिल्कुल बरकरार है और तुमने उसे नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पहुंचा दिया इंडियन आइडल में। थैंक यू सर। आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड बेटा, तुमने बहुत अच्छा गाया। चिराग ऐसा माहौल जमा दिया कि लगा कि हाँ एक बच्चे का साथ दे रहा है लेकिन एक बहुत ही मैच्योर्ड परफॉर्मेंस। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। मुझे जेन्यूनली लगता है कि कोई बहुत सारे बड़े सुपरस्टार्स हमारे इस मंच पे आए हैं आज हमारे कंटेस्टेंट्स का साथ देने। और सायशा आपकी गायकी में ये पूरी तरह से जस्टिफाई करता है कि आप लोग क्यों इतने पॉपुलर हुए, पूरा देश पूरी दुनिया आपको इतना क्यों चाहती है। थैंक यू सर। चिराग एक मंझे हुए कलाकार होने के नाते, एक ग्रोन अप सिंगर होने के नाते यू हैव टू मेक श्योर कि ओवरशैडो भी नहीं करना है। आई थॉट यू डिड अ वेरी वंडरफुल ग्रेशियस जॉब। और जब आप साथ में आप वो म्यूजिक पीस पे आए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आई लव्ड इट थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, ग्रेट जॉब। सो जजेस, जनता और मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए कौन है ये नटखट बच्चा या बच्ची? ओले पुपा तू क्यूट। मैं समझ गया। Who's this? अरे इतना समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ। It is Kavya. It's Himesh. It's Himesh. Oh my God! Oh, इतना समय कैसे लग गया? वैसे बचपन में अचार आपके बाल काफी ऋतुराज से मैच कर रहे हैं, है ना? वही आगे तब से पीछा कर रहा है ये मेरा। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, विदिता चक्रवर्ती और इनके साथ ऋतुराज। ऋतुराज। हाँ। एक बात मेरी याद रखना। ओके। और वो बात ये है कि कल रात तुम्हें नींद तो बहुत गहरी आई होगी। हाँ बहुत। झूठ। नींद में किसके सपने देखे तुमने? आपके। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा प्यारा बच्चा ऋतुराज जो बहुत अच्छा सिंगर है, हाँ। वो रात को नींद नहीं कर रहा था, कुछ और कर रहा था। जी एचआर, और ये सच हमारे पास रिकॉर्डेड है, देखिए। विदिप्ता के ये जो मिस परफेक्ट है, यू नो परफेक्शनिस्ट हमारी विदिप्ता, हर चीज बिल्कुल प्रिम प्रॉपर परफेक्ट। और पहली बार मैंने विदिप्ता के पीछे एक शैतान देखा है। लिटरली विदिप्ता, तुम्हारे में एक नॉटी लड़की भी बसती है। हाँ, सो
क्यूट। ला 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 जजेस ऑडियंस, क्या बात है ऋतुराज, क्या बात है विदिता, कमाल है, कमाल, टू गुड। थैंक यू ऋतुराज बाबू, आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो इस चीज का कि देखो लाइफ में जितनी ज्यादा मस्ती कर लो बट सिंगिंग में जो आपकी सीरियसनेस है, ओ माय गॉड बाबू, यू आर अमेजिंग। थैंक यू।
और हमारी विदीप्ता, प्यारी विदीप्ता, सुंदर विदीप्ता, विदीप्ता बहुत खूबसूरत गाया, बहुत अच्छा गाया. थैंक यू. ग्रेट जॉब बोथ ऑफ यू. बहुत सुरीला परफॉर्मेंस था ये. थैंक यू. तुम्हारे गाने की वजह से क्या हुआ है तुम्हें पता है? पता है तुम्हें क्या हुआ है? सब कुछ बदल चुका है. सब कुछ बदल चुका है. ऋतु, मैं भी बदल गई, ये भी बदल गए, ये भी बदल गए, वो भी बदल गए, सब बदल गए, मौसम बदल गया. जजेस, विदिप्ता की परफॉर्मेंस पर स्कोर दे दीजिए. थैंक यू विदिप्ता. प्यारे से कंटेस्टेंट की बचपन की तस्वीर ये रही. I know who this is. ज़्यादा बदलाव नहीं है. I know who this is. बताइए. नहीं तो this is ऋषि. है. This can't be Navdeep. सही जवाब नेहु. ऋषि. देखिए बचपन से वो आइडल के ऑडिशंस का नंबर लटका के घूम रहे हैं. पता था कि एक दिन वो आइडल में टहलका मचाने वाले. नेक्स्ट बिग थिंग ऋषि सिंह और इनके साथ स्टाइल स्वैग एंड फुल ऑन जैज सुपरस्टार सिंगर विनर मोहम्मद फैज. जाए तू कहीं भी ये सोचना.
खुदा क्या बात है आसमान नी नी जा सब
बोलना है मैं तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ओह गॉड वी आर सो लकी व्हाट अ लाइफ ये चीर दो दिल निकालो ले जाओ घर थैंक यू थैंक यू ओ मैन मणि यार शर्म करो थोड़ा सा लाइफ में इतने से हो और आवाज इतनी सी है माय गॉड नवदीप थैंक यू मतलब हम अक्सर आपको बोलते हैं ना कि आप अलग नया भी चीज हो अब दो अलग नायाब चीज साथ में गा रहे अपने अपने स्टाइल में अपने अपने अंदाज में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि भेजा फटे जा रहा है मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू लोग कहते हैं ना कि एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे तो ये एक ही दिमाग है कितनी बार फोड़ोगे यार मतलब नवदीप मणि आपने मौसम बदल दिया जजेस प्लीज इन्हें स्कोर्स दे दीजिए प्लीज गेस करें कि अगला बच्चा या बच्ची कौन है ये काव्य है ये डेफिनेटली काव्य है ये फॉर श्योर काव्य है बिल्कुल सही जवाब खुददारी की मिसाल कहीं भी किसी भी समय K3L खुददार कन्या काव्यालय में और इनके साथ वो जिनकी जबान से भगवान बोलते हैं प्रभु प्रांजल विश्वास फिर उड़ ना पाया गिरता हुआ
भी बादल की थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे नजरे अल्लाह सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए फॉर विशाल एंड शेखर. क्या बात है, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग, क्या बात है. विशु सर ने लिखा भी है, लिखा भी है और इतने ग्रेट, ग्रेट गाना है ये. क्या बात है विशु, माइंड ब्लोइंग विशाल शेखर, हिस्टोरिक. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्जन यार. प्रांजल, आपने ये सुपरस्टार सिंगर में भी गाया था, राइट? हाँ जी सर. और ये जो काव्या आप जो हार्मनी कर रही थी, जो आप सब साथ दे रहे थे, सो ब्यूटीफुल ऑन द कोरस, बहुत ही खूब. और जो बाउल का जो भाग आपने जोड़ा, जस्ट मैजिकल. एक कंपोजर और एक राइटर के लिए सबसे बेहतरीन बात वो होती है जब कोई उनका गाना परफॉर्म करता है और उनके लफ्ज़ों में, उनके कॉम्पोजिशन में मतलब जो है वो बरकरार रखता है. आपने नॉट ओनली बरकरार रखा, मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रांजल, जेन्युइनली काव्या, ये जो आपने अरेंजमेंट की, ये सब कुछ, ये ओरिजिनल से बेहतर है. इट वॉज वंडरफुल, वंडरफुल. अब नेक्स्ट परफॉर्म करने आ रही है अनुष्का पात्रा और इनके साथ वो जो अपने गुरु यानी गॉड किशोर दा की तरह ही सब कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं, तभी जो है सबसे खास रोहन दास. अरे एचआर, ये रोहन फिर से नहीं आया. रोहन सर, तो जल्दी आ जाओ बांगड़ू. हाँ सर, मैं अभी आता हूँ, बस दो मिनट. बाजू बाबू समझो इशारे. ओह माय गॉड, इतना बड़ा मेकओवर. हम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे. तुम तो पीछे से कुछ चेंज मेकअप वेकअप करके आने वाले थे. अरे सर, मैं तो अभी गया था इसके लिए. समझ गया बेटा, समझ गया. ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ. हाँ सर. क्या चाहते हो आज? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ सर, मैं सिर्फ गाना गाना चाहता हूँ सर. तुम राजू हो या रोहन हो? अरे बांगडू, मैं रोहन हूँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू. हम थे वो थी. अरे गाओ ना. वो थे, हम थे, हम थे वो थी. और समार Yeah.
माइंड ब्लोइंग. थैंक यू सर. बांगड़ू छा गए बाबू. आप बहुत ही अलग हो. मतलब अलग तो करे. आप क्या हो? अनुष्का सच बताऊं, अगर मुझे कोई बलेगा ऐसी सब आवाजें निकालने को तो मैं थोड़ा सा डर जाऊंगी, थोड़ा सा शर्मा जाऊंगी कि अरे मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ. बट यू आर सो गुड. इतने कॉन्फिडेंस से इतनी कमाल की चीजें कर लेती हो. यू आर अमेजिंग अनुष्का. हैट्स ऑफ टू यू. थैंक यू सो मच मैम. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.